खूबसूरत सेट, इतनी खूबसूरत ऑडियंस, वाह, टैलेंटेड आर्टिस्ट, ग्लैमर और गौरव सामने देख, इतने बड़े बड़े लोग आने वाले थे, आए नहीं। पागल हो गया? अरे वही तो है जो बताएंगे बड़े बड़े लोग कब आएंगे। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब पंकज सारस्वत जी को मानना पड़ेगा। यस yes. कमाल किया, क्या सेट बनाया है। और जिन शक्लों को डिस्कवरी वाले नहीं ले रहे थे उनको वो सोनी पे ले आए। ए लकड़बग्घे, ए फालतू बात नहीं कर, अब आग है तो शुरू करते ना यार। शेखर जी नमस्कार, अर्चना जी नमस्कार, सुगंधा बीच में मत रहा रोशेल के लिए। ए सुगंधा को कुछ नहीं बोलना। हाँ ए क्यों, क्या हो गया? अरे मैं बहुत मानता हूँ उसको। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि सामने बैठी हुई है, अगर टैलेंट की बात की जाए, सिंगिंग, मिमिक्री, कॉमेडी, मेरे इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। यस सॉरी यार, मेरे से झूठ निकल गया। पड़ेगा तो चाहिए। हाँ सुगंधा, इन चीजों का बुरा मान गई क्या? हाँ। अरे छोटी बच्ची हो क्या? अरे वो छोटी बच्ची है, ठीक है, सामने देखो, सालों से छोटा बच्चा जो बन के बैठा है उसका कुछ नहीं। दूसरों के चुगलियों में ध्यान दे रहा है, परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। अरे परफॉर्म कैसे करूं मैं, ढंग का पार्टनर नहीं मिला मुझे। ए, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं मैं, तुम्हारी औकात थी मेरा पार्टनर बनने की। अबे चुप कर बे, मुंह में कूनी घुसड़ के हाथ खोल दूंगा मैं। आपको पता है जी, मेरा पार्टनर बनने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार तरस रहे थे। अरे चले, कोई नहीं तरस रहा था। अरे मैं गया था पंकज जी के पास, मड में रहते, आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो खुद ही पेपर फेंकती। मैं गया पंकज जी के घर पे, टिंग टोंग। अरे वाह क्या बात है, आइए आइए। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या लेंगे, कान के नीचे या फिर मुंह पे घुसना? अरे सर गुस्सा मत होइए, मैं आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूँ। अच्छा क्या बात है, हॉलीवुड का? नहीं सर। भंसाली? नहीं सर। करण? यार तो फिर कौन सा ऑफर लेके आया सर? मैं कॉमेडी शो कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें आपको गौरव दुबे का पार्टनर, सॉरी श्री गौरव दुबे का पार्टनर बनना है। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। कौन है गौरव दुबे? ये बताओ कि शो पे जज कौन है? अर्चना पूरन सिंह। सर सर क्या हो गया सर? बचपन से सिखाया गया है कोई डराना ना सुन लो ना तो तुरंत ऊपर वाले को याद कर लिया करो। दूसरा जज कौन है? शेखर सुवन सर। वही है ना जो 50 साल की उम्र से 25 के बने घूम रहे हैं। इससे पहले कि आप लतिया जाएं, यहाँ से निकलिए। सर सर ये क्या बोला आपने? टेलीविजन है इसलिए सीधे गाली नहीं दिए, OTT पे आते वहां पर देखते हम क्या करते। तो देखा आप सबने कैसे मैंने पंकज जी को मना कर दिया। अरे काय का पंकज जी को मना कर दिया, हट, मैं पता है किसको मना करके आया, रवि जी को। तो जैसे ही मैं रवि जी के पास पहुंचा, रवि जी महादेव के कृपा भइल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अद्भुत 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 अद्भुतास अद्भुतम, जिंदगी झंडवा फिर भी मंडवा, अगले दरवाजे जाओ हमारे पास चिल्लर कम हट। सर मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं केतन सिंह हूँ। बाबू बात एक है, चाहे केतन सिंह हो चाहे भिखारी हो। देखिए सर एक कॉमेडी शो बना रहे हैं। तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने आलो, मेरी तरफ से ठेंगा। नहीं सर देखिए, हमें कॉमेडी शो बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे पार्टनर बन जाए, स्टेज पर जाके परफॉर्म करेंगे, फाट डालेंगे। क्यों सर? इतना छोटा बच्चा, प्यारा क्यूटी पाई को तुम जज ले रहे हो और मुझे सांड जैसे आदमी को पार्टनर बनाओ? सर बैठ के थोड़ी बातें कर लेते हैं। बैठ के बात करते हैं, चलो बैठो, झूले में बैठ के बात करते हैं।
तो मैं कह रहा था एक कॉमेडी शो आ रहा है उसपे आप मेरे पार्टनर बनेंगे। वो सब तो ठीक है लेकिन झूले की स्पीड क्यों बढ़ गई उतरी है। ये क्या था बाबू हम भी तुम्हारे लिपचोथड़ निकले लबड़ धोधो निकले लबड़ धस्तो निकले। अरे हमारी भैंसिया थे झूला समझ कर तो कॉमेडी शो जो मैं बना रहा हूँ उसमें आपको जज जज बनना यार। आई वुड लाइक टू सी योर परफॉर्मेंस इज नहीं जज नहीं बनना है। आपने जो किया नहीं आपको जज नहीं बनना है जजेस ऑलरेडी लॉक्ड हैं। लो जीशु के जजे लॉक्ड हो इसका क्या होगा। एक काम करो 500 रुपये उनका जमानत करवा जमानत, जमानत कराओ। अरे ये क्या 500 रुपये की पुरानी नोट। हाँ तो वो कौन से नए बताओ और कौन जज है शो पे। अर्चना पूरन सिंह एंड शेखर सुमन जी। शेखर सुमन अद्भुत 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 इतना क्यूटी पाई इतना छोटा बच्चा बचपन से हम इनको जानते हैं अपने गोद में खिलाया शेखर को। अच्छा हाँ शेखर अरे कहाँ गए। ए शेखर बाबू शेखर ये बचपन से खुर चाली थे। जाओ बेटा जाओ बड़े होके जज बनो जाओ। सर आप फालतू की बातें कर रहे हैं साफ साफ बताते क्यों नहीं मेरे पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे। अरे ये भी कोई पूछने की बात है चल निकल हट। देखा किस तरह से मैं रवि जी को मना करके आ गया। तूने रवि जी को मना किया। हा? मैंने बॉलीवुड के सबसे बड़े राइटर जावेद साहब को मना करके आ रहा हूँ। अच्छा। मैं उनके घर पे गया। अरे जावेद सर आदाब। ये देखिए आज के डेट में अदब में कोई रवानगी नहीं रह गई। ये क्या बदतमीजी है आते आते तुम सीधे सीधे आज ये क्या तरीका है। सॉरी सर। अरे पहले आओ घर की घंटी तो बजाओ। ओके सर ओके। देखिए मुफलसी है आदतन तुम जितनी उंगली करो घंटी बजेगी नहीं। वो क्यों सर। क्योंकि हमने लगवाई नहीं है। सर घंटी क्यों नहीं लगवाई आपने। जब दरवाजा ही नहीं लगवा तो घंटी क्यों लगवा। सर दरवाजा क्यों नहीं सर दरवाजा क्यों नहीं लगवाया। हमने सोचा कि एक बार दीवारें बन जाएं तो दरवाजा भी लगवा देंगे। अरे तो ये सब क्या है। ये स्टेज है यहाँ पर हम लोगों को माइंड करना है। इतना भी नहीं जानता कॉमेडी करने निकले हैं नौजवान। अरे सर एक्चुअली क्या कि मैं एक कॉमेडी शो कर रहा हूँ जिसमें मुझे समझ गया। जजमेंट हमने बहुत सारे शोज में किए मेरे को याद है आज भी वो सुनहरे दिन जब मैं जजमेंट देता था। देखिए आपने जो गाना गाया है उसमें हल्की सी कमी थी लेकिन उसके बाद जो अब बारी है आपको नंबर देने की। ये लीजिए UK 11। अरे सर फिर से एक बार। अरे सर ये सब नहीं करना है सर। आपको मेरा पार्टनर बनना है कॉमेडी करना है कॉमेडी पार्टनर बनना है। अच्छा वो हसन कॉमेडी पार्टनर। हाँ, जी सर। तो फरहान को ले जाओ। अरे सर लेकिन उनको मैंने कभी देखा नहीं हंसाते हुए। गाते हुए देखा है। सर प्लीज आप मेरे पार्टनर बन जाइए सर प्लीज सर। देखिए अगर 2 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं फरहान को बुलाऊंगा उसके गले में जो पत्थर फंसा है उसी से मारूंगा। ये तो लाजमी है। बाकी बेटे यहाँ से जल्दी से निकलो। चला निकल। देखा कैसे मैंने जावेद साहब को भी मना कर दिया। तो आखिरी में मैं पहुंचा ओरिजिनल डिस्को डांसर के पास। मिथुन दा। अरे वाह तू आ गया तेरा ही इंतजार था।
आजा आजा टोमेटो वाले, आजा मेरा पार्सल दे। अरे मैं टोमेटो वाला नहीं हूँ सर। अच्छा, अम्मा जान से आया है? अम्मा जान, मैंने वो डायपर ऑर्डर किया था, कहाँ है? आपने डायपर क्यों ऑर्डर किया था? अरे मैं जब भी ऐसे करता हूँ ना, तो बच्चे डर जाते हैं, उसके लिए मंगाया था। नहीं हम लोग ना एक कॉमेडी शो बना रहे हैं। मुझे पता है, आपने अच्छा किया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मेरी तरफ से ग्रैंड सेल। कैसा लगा मेरा जजमेंट का ऑडिशन? अरे सर, जज बनने का ऑडिशन? अरे नहीं देना जज बनने का, जज बनने का बोलता क्यों नहीं? अरे ऑडिशन नहीं देना है, बोलता क्यों नहीं है? हम लोग एक कॉमेडी शो बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पार्टनर बने। अरे वाह, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, नहीं हो पाएगा। चल निकल इधर से। मेरे इवनिंग वॉक का टाइम हो गया, चल अपना काम कर, चल हट इधर से। अरे मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, इन दोनों ने जो आज कमाल किया है, जो धमाल किया है, जिसको कहते हैं परफेक्ट परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट कॉमेडी, और इससे बढ़िया एक्ट मैंने अब तक किसी शो में नहीं देखा। आप दोनों ने यहाँ पर प्रदर्शन जो किया है, इट हैज बीन अ परफॉर्मेंस ऑफ प्योर टैलेंट एंड टाइमिंग, एंड यू हैव बीन सो स्पेक्टेक्युलर दैट मैं इतने सालों से हंस रही हूँ और लोग बोलते हैं आप हंसती रहती हैं, इतने सालों बाद मेरा पेट मतलब दर्द हो गया हंसते हंसते, आंखों से आंसू निकल गए, आज पहली बार मुझे नंबर कम लग रहे हैं। गौरव, आप कॉमेडी की होप हो और केतन आप लाफ्टर की तोप हो।